नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों ये हमारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर पे, और ये दोस्तों हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ का 48th पार्ट है। और इससे पहले हमने दोस्तों पार्ट 1 से लेके 47 तक कंप्लीट कर दिए गए हैं। और दोस्तों हर एक पार्ट में हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे प्रीवियस का हो सकता है या फिर आने वाले एंट्री एग्ज़ाम के मद्देनज़र काफ़ी इम्पोर्टेंट या इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पार्ट 48। और पार्ट 48 का हमारा क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 2 की पावर x बराबर 5 की पावर y बराबर 10 की पावर -z, देन द वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो दोस्तों इसकी वैल्यू बतानी है हमें, और हमें दे दिया गया है 2 की पावर x बराबर 5 की पावर y प्लस 10 की पावर -z। तो दोस्तों याद रखें, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं और इसी प्रकार की सीरीज़ रहती है। कुछ अलग अलग प्रकार में दिए जाते हैं, पर एक इनका कंसेप्ट एक जैसा रहता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कंसेप्ट क्या रहेगा। आपको क्या करना है दोस्तों, 2 की पावर x बराबर 5 की पावर y बराबर 10 की पावर -z दिया गया है, आपको लिख देना है इसके बराबर k, क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं तो इन्हें बता सकते हैं हम k के बराबर। तो दोस्तों यह आ जाएगा हमारा, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 की पावर x बराबर k, 5 की पावर y बराबर k और 10 की पावर -z बराबर k। और इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है, 2 की पावर k की पावर 1/x और 5 बराबर k की पावर 1/y और 10 बराबर k की पावर -1/z। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा, k निकल के आ जाएगा 2, 5, 10। अब आते हैं दोस्तों, आपके पास आ चुकी है 2 बराबर k की पावर 1/x, 5 बराबर k की पावर 1/y और 10 बराबर k की पावर -1/z। दोस्तों ये रहे हमारे 2, 5 और 10। अब आते हैं दोस्तों एक कंसेप्ट, आपको पता है 10 बराबर होता है 2 × 5, 10 बराबर होता है 2 × 5। आपको क्या करना है, 10 बराबर 2 × 5, आपने जो वैल्यू निकाली थी 10 बराबर k की पावर -1/z लिख देना है, k की पावर -1/z, और 2 बराबर लिख देना है आपको k की पावर 1/x, और 5 बराबर लिख देना है आपको k की पावर 1/y। अब दोस्तों आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं k की पावर -1/z बराबर k की पावर 1/x प्लस 1/y। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगी कि k की पावर -1/z इज इक्वल टू k की पावर 1/x प्लस 1/y। अब दोस्तों इन दोनों में कंपेरिज़न करेंगे दोस्तों, k कैंसिल हो जाएगा, k हमारा हट जाएगा, तो आ जाएगा हमारा माइनस का 1/z बराबर 1/x प्लस 1/y। अब दोस्तों ये आ चुका है हमारा माइनस का 1/z बराबर 1/x प्लस 1/y। आपको दोबारा से लिखना है माइनस का 1/z बराबर 1/x प्लस 1/y। आपको ये वाली वैल्यू इस साइड ले जानी है, आपको ये वाली वैल्यू इस साइड ले जानी है। तो दोस्तों ये नेगेटिव से ये पॉजिटिव हो जाएगी और हमारा आ जाएगा 0 बराबर 1/x और 1/y और z और प्लस हो गया तो 1/z। तो दोस्तों ये आ चुका है हमारी वैल्यू कि 0 बराबर रहेगी 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको करना है ये सॉल्व, हमारे आ चुकी है, हमें जो निकालना था 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, तो ये हमारी 0 के इक्वल रहेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको सॉल्व करना होता है इस प्रकार के क्वेश्चन, सबको k के बराबर लिखना होता है और फिर आपको आप आइडिया मिल जाएगा। और भी कई क्वेश्चन आएंगे इसी प्रकार के, तो बने रहिए हमारे साथ। और हम ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा देंगे 0, और 0 हमारा सही हीरो निकला एक, और हमें 4 मार्क्स मिल जाएंगे बड़ी आसानी से। और धन्यवाद दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।